ना मैंने बनाई है इसकी सब्ज़ी। तो ये है लसूड़े, इनको हम बोलते हैं। ये देखिए, नमस्कार जी। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये शुरू है अर्ली मॉर्निंग से, और ये जो है यहाँ इस नई जगह का मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए मैं इसको माय फर्स्ट व्लॉग का नाम दे रही हूँ। तो यहाँ आपको पता है कि हम हिमाचल जो है शिफ्ट हो गए हैं। तो ये ना अभी हम मॉर्निंग में सुबह सुबह गए थे छत पर, तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम बहुत, ये हमारे जो घर है हमारा उसके आसपास का व्यू है, ठंडी हवा चल रही है ना, बादल है अभी भी, देखो दिन को बारिश। मैं आ रही सुबह सुबह वॉक करने आई छत पे। अभी जो है 6:10 हुए। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चे चले गए हैं स्कूल और किचन का जो है मेरा सारा काम खत्म हो गया है। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, झाड़ू लगा दिया है, बस पोछा लगाने को रहता है। और मैंने आज क्या बनाया था ब्रेकफास्ट में आपको भी दिखा देती हूँ। तो आज ना मैंने बनाई है इसकी सब्ज़ी। तो ये है लसूड़े, इनको हम बोलते हैं। ये देखिए, तो अभी ये बच गए हैं, इनको मैं एक बार और बना लूँगी। और साथ में यहाँ पे बनी है दाल, क्योंकि ऑफिस के लिए लंच देना था हस्बैंड को, तो इसलिए दाल सब्ज़ी दोनों बना दी है। और साथ में बनी है यहाँ पे सेमी। तो बहुत सारे लोगों को लसूड़ों का पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो है देसी सब्जी है और ये बहुत ही अच्छी बनती है, खट्टा डाल के इसको बनाते हैं। नेक्स्ट जब मैं ये बनाऊँगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और इस व्लॉग में आगे जो है आपके साथ में हम गए थे रिटायरमेंट में, तो वो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ जो है इसमें शेयर करूँगी आगे। तो रिटायरमेंट में तो हम गए थे, लेकिन रिटायरमेंट के फंक्शन में जो है ना बारिश, ये जो है मॉर्निंग की शुरुआत आप देख रहे हो घमाघोर बारिश से हुई है। तो हमारे जो चाचा ससुर हैं मेरे, उनकी जो है रिटायरमेंट थी। ये है चाचा जी और ये है चाची जी, और साथ में है मेरी देवरानी और मैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी, तो यहाँ पे उसी को जो है फोटोग्राफी वगैरह चल रही थी, और नहीं तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो बारिश ने ना हालत ख़राब करके रखी थी, तो हमने जल्दी जल्दी खाना खाया, धाम खाई, और उसके बाद जी हम लोग निकल के वापस, क्योंकि मैं और हस्बैंड ही गए थे, बच्चों को हम लेके नहीं गए थे।
और आप देख रहे हो बारिश अभी भी लगी हुई है। तो इवनिंग के टाइम हम निकले थे और रात को हम लोग जो है 9 बजे के आसपास हम वहाँ पे बच्चों के पास पहुँच गए थे। और ये देखिए खरगोश जो है बिल्कुल ना गाड़ी के आगे से एकदम क्रॉस हुआ था। तो ड्राइविंग जो है ना जब करते हैं ना रात को हिमाचल में, तो कुछ ना कुछ जानवर वगैरह ज़रूर निकल जाते हैं आगे से। तो जी रिटायरमेंट से देखा आपने हम लोग वापस आ गए थे और ये वीडियो है आज का ही। तो यहाँ पे ना सारे कामों से फ्री होने के बाद जो है मैं यहाँ पे, मुझे एक सूट कट करना था, उसको कटिंग करने के लिए लगी थी। क्योंकि कटिंग किया होता है तो फिर आप जब भी आपको टाइम लगे आप स्टिच कर सकते। तो जी पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं बना, ये अभी इवनिंग में बना रही हूँ। मैंने जो है मीशो से कुछ मंगवाया था, कुछ क्या दो नाइट सूट मंगवाए थे। तो ये कुछ इस तरह के हैं, एक मैरून कलर में है और एक ये इस तरह का पीकॉक और उसमें डिज़ाइन है। तो ये दोनों जो है मैंने मंगवाए हैं। तो रेंज कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठीक ही है। अभी देखते हैं कैसा निकलते हैं जो है रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट तो मैं तो वैसे काफ़ी कुछ मैं शूट कर सकती थी, लेकिन बारिश ने जो है ना बीच में रुक रही थी, बीच में लग रही थी, और तो बस उसी वजह से कोई इतना अच्छा वीडियो जो है नहीं बन पाया। लेकिन जितना भी मैंने बनाया था वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिया है। तो बारिश की वजह से ना मौसम तो अच्छा है, मतलब ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे फंक्शन वगैरह होता है ना तो उसका मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। लेकिन इस बार जो है गर्मियों में ये रख लीजिए आपकी बरसात शुरू हो गई है, तो मतलब खूब जो है दबा के बारिश हो रही है। एक दिन मौसम ठीक रहता है, फिर जो है दूसरे तीसरे दिन पक्का बारिश हो जाती है। और अभी जो है ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। मुझे पता है काफ़ी दिनों से जो है कंटिन्यू ब्लॉग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर ही रही हूँ। चलिए एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करूंगी कि मैं ज़्यादा नहीं तो हफ्ते के 2 ब्लॉग तो ज़रूर डालूं ही डालूं। अभी जो है ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के साथ बेल को कीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो अभी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।